देखिए हम सभी लोग ये जानते हैं कि वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमारे लैपटॉप या फिर हमारे पीसी में एक अच्छा प्रोसेसर, एक बढ़िया सी रैम और एक ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पर ये वीडियो मैं सभी के लिए बना रहा हूँ जिनको यहाँ पर फ्रीलांसिंग करना है, जिनको नेक्स्ट लेवल VFX पर जाना है, इसके साथ साथ जिनको 4K वीडियो एडिट करना है, 1080p वीडियो एडिट करना है, एनिमेशन करना है, काफी सारी चीजें करना है। तो देखो इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर 1080p वीडियो एडिट करना है, जो कि खुद की भी हो सकती है, फ्रीलांसिंग के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को उसके लिए बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक्स कार्ड बताऊंगा। इसके साथ साथ हम लोग आगे जाते जाएंगे, पर इसके साथ साथ आपके दिमाग में एक और सवाल होगा, वो ये है कि पीसी लें या फिर लैपटॉप लें। आप लोग प्रोसेसर तो जान लेंगे ये प्रोसेसर बेस्ट है, ये रैम बेस्ट है, ये वाला ग्राफिक्स कार्ड बेस्ट है, बट पीसी या फिर लैपटॉप, इसका आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में नहीं दे सकता। इसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें आप लोगों को सारी चीजें मुझे समझाना पड़ेगी। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या आप लोग पीसी वर्सेस लैपटॉप के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें आप लोगों को सारी चीजें मैं बताऊं, जिससे आप लोग डाउट क्लियर हो जाए कि अब आपको क्या लेना चाहिए। आप लोग जाओ फटाफट से अपना ओपिनियन कमेंट करो, श्योर 110% नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उसी के ऊपर लेकर आऊंगा यदि आप लोग ज्यादा कमेंट करते हो। तो चलिए हम लोग हमारे हार्डवेयर के बारे में जानते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोग कहना चाहूंगा, इफ आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, खुद यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, खुद वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, मैं आपको कहना चाहूंगा आप लोग ये देखो स्टार्ट करो, इंटेल से i5 लो और राइजन से Ryzen 5 लो। इन दोनों ही कंपनीज के आप लोग लेटेस्ट जनरेशन वाले प्रोसेसर लो, जिससे आप लोग को और वेल और बढ़िया परफॉर्मेंस मिले, क्योंकि यहाँ पे ये जरूरी है। तो यहाँ पर देखो आप लोग सबसे पहले राइजन 5 से देखो आप लोग अच्छी खासी फ्रीलांसिंग तो कर सकते हो और आप लोग खुद के लिए भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो 1080p में। इस मशीन से आप लोग 4K भी एडिटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट करोगे तो काफी लैग मारेगा, प्रोक्सीज नाम की भी कोई चीज होती है। तो आप लोग सिंपली देखो प्रीमियर प्रो में प्रोक्सीज बना के इस प्रोसेसर के साथ साथ आपके 3200 MHz की एक रैम होगी ना, जो कि 8GB की और DDR4 हो, देन देखो आप लोगों का काम तो चल जाएगा। इसके साथ साथ एक ग्राफिक्स कार्ड होना जरूरी है। इस मशीन में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब आप लोग 4K फाइल्स को देखो एक्सपोर्ट करोगे ना, वहाँ पे देखो काफी सारा टाइम ले सकता है। इसके साथ साथ देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को लैगिंग का इशू आएगा। तो देखो आप लोगों को 4K फाइल्स एडिट करना है तो आप लोग थोड़ी हेवी मशीन ही प्रीफर करना, वही ऑलमोस्ट देखो आप लोगों को 1080p में तो कुछ भी नहीं दिक्कत आना, एकदम मक्खन जैसा मैंने कहा था ना वैसे ही काम होगा। आप लोग इसमें मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग देखो NVIDIA का GTX 1650 का 4GB ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो, इससे आप लोगों का काम हो जाएगा। इससे आप लोग फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, खुद के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप लोग बढ़िया सी, ऐसा नहीं कि ऐसी वैसी, आप लोग बढ़िया सी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं और ऑलमोस्ट आप लोगों का काम काफी बढ़िया होगा। इस मशीन में भी आपको दिक्कत तो नहीं आना है, बट देखो आप लोग कुछ जैसे जैसे फ्रीलांसिंग करते जाओगे, खुद के लिए वीडियो एडिट करते जाओगे, आप लोग सीखते जाओगे ना, तो आप लोग इन फ्यूचर इसमें रैम को अपग्रेड कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग 16GB कर सकते हो, जिससे आप लोग आउटपुट और बढ़िया मिले। अब वही बात करें आप लोगों को एनिमेशन करना है, यहाँ पर 4K वीडियो एडिटिंग करना है डायरेक्टली बिना कोई झंझट के, और आप लोगों को VFX भी करना है, और आप लोगों को फ्रीलांस भी करना है, खुद के लिए भी काम करना है, ऑलमोस्ट आप लोगों को सारा हैवी टास्क करना है ना, आप लोग राइजन 7 या फिर इंटेल i7 ले सकते हो उनकी लेटेस्ट जनरेशन के प्रोसेसर के साथ। बट इसके साथ ये नहीं, अभी आप लोगों के पास और बजट है ना, आप लोग इंटेल i9 या फिर राइजन 9 ले सकते हो उनकी लेटेस्ट जनरेशन के साथ। भाई सच बोलूं ना, धमाकेदार एक्सपीरियंस मिलेगा यार तुमको, मतलब कोई तोड़ नहीं है यार, मतलब क्या करना चाहोगे, VFX, एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग। तो देखो ये वाली मशीन ना काफी हेवी भी फाइल्स आसानी से संभाल सकती है, भाई तुम जितना चाहो ना उतना हेवी काम कर सकते हो इस मशीन में। तो देखो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अब मुझसे पूछेंगे कि हम लोग राइजन 3 या फिर इंटेल i3 ले ले उनकी लेटेस्ट जनरेशन के साथ। तो देखो मेरे भाई आज के समय में ना आप लोगों को सच कहूं ना, तो देखो आप लोग मत जाओ यार, देखो ऐसे आपको बाद में भी अपग्रेड करनी पड़ेगा, थोड़ा समय आप लोग रुक सकते हो। यदि देखो आप लोग पास ऑलरेडी यहाँ पर राइजन 3 या फिर इंटेल i3 है तो आप लोग उससे काम करो, उससे सीखो, उसके साथ आप लोग उससे फ्रीलांसिंग करो, उसके साथ साथ आप लोग अपने और पैसे इकट्ठे करो, आप लोग उससे पैसे इकट्ठे करके आप लोग राइजन 5 या फिर इंटेल i5 वाली कोई मशीन ले सकते हो, उसके बाद आप लोग राइजन 9 या फिर इंटेल i9 पर शिफ्ट हो सकते हो। मैं देखो राइजन 9 और इंटेल i9 के साथ आप लोगों को मैं कहूँ ना, आप लोग 32GB की रैम लो यार, इसके साथ साथ आप लोग 16GB का या फिर 8GB का या फिर आप लोग इतना हो सके ना उतना हैवी ग्राफिक्स कार्ड इसमें यूज करने की, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है यार भाई, इसका कोई तोड़ नहीं है। यहाँ पर मैं तुमको कहूँ आप लोग वीडियो एडिटिंग, VFX, एनिमेशन, आप लोग व्हाटएवर जो भी करना चाहते हो, 4K फाइल एडिट करना चाहते हो, भाई सारा काम एकदम मक्खन जैसा होगा। मैं देखो यही सोचता हूँ कि आप लोगों में डायरेक्टली सारी चीजें बताऊँ, एकदम सच सच चीजें बताऊँ जो कि आप लोग काम में आए, आप लोग कभी घूमे ना और आपको परेशानी ना हो। आप लोग नए हैं, आप लोगों को एकदम बिगिनिंग करना है, आप लोगों को फ्रीलांसिंग भी करना है, खुद की भी वीडियो एडिट करना है और आप लोग सीखेंगे भी इसके साथ साथ, तो भाई आप लोग राइजन 5 लो, इसके साथ साथ 8GB रैम लो, इसके साथ साथ आप लोग 4GB का ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो। यहाँ पर मैं रिकमेंड आप लोग करूंगा NVIDIA GTX 1650 4GB। और यहाँ पर देखो इफ आप लोगों को CPU बिल्ड करना है तो आप लोग CPU के लिए यहाँ पर ये प्रोसेसर, इसके साथ साथ रैम और इसके साथ साथ इन ग्राफिक्स कार्ड का मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर इनको परचेस कर सकते, जिससे आप लोगों का काम और आसान हो जाएगा। तो देखो मैंने आप लोगों को जो हार्डवेयर बताया ना, आप लोग इससे शुरुआत करो, शुरू में इफ आप लोग एकदम बिगिनर है, आप लोगों को ज्यादा कुछ भी नहीं आता है, सीखना है, किसी के लिए भी काम करना है, खुद के लिए भी काम करना है, इसके साथ साथ अपनी मशीन को पर्सनली भी यूज करना, तो देन देखो ये चीज आप लोगों के लिए काफी बेटर है। वरना आप लोग देखो इससे नीचे जाओगे ना तो आप लोगों को फ्यूचर में अपग्रेड तो करना ही है, तो आपको फ्यूचर में अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा ही शुरू में ही अपग्रेड करके चलो, देन आप लोग डायरेक्टली राइजन 9 और इंटेल i9 पर शिफ्ट हो, उसके बाद फ्यूचर में, और तब आप लोग के पास किसी भी सॉफ्टवेयर का तगड़ा एक्सपीरियंस हो। तो देखो एज अ बिगिनर वीडियो एडिटर ये मशीन आप लोग ये परफेक्ट है। वही देखो इसके साथ साथ आप लोग अब ये भी जान लें कि वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा एक बजट में, तो आप लोग मुझे वो भी बताओ यार, क्यों मैंने आप लोग जो हार्डवेयर बताया ना, इस हार्डवेयर वाला कौन सा लैपटॉप बेस्ट है फॉर वीडियो एडिटर्स, आप लोगों को ये भी जानना ना, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। श्योर देखिए इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और आने
आने वाली एक से दो वीडियो हम लोग इसी टॉपिक के रिलेटेड पब्लिश करेंगे, जिसमें यहाँ पर पीसी वर्सेस लैपटॉप क्या लेना चाहिए फॉर वीडियो एडिटिंग। इसके साथ साथ यहाँ पर वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट लैपटॉप कौन सा, हम लोग इसके ऊपर भी एक वीडियो ला सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, श्योर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो ताकि मैं इसके ऊपर वीडियो ला पाऊँ। बस देखो, मैंने आप लोग जो मशीन बताई है ना, आप लोग इस मशीन को ले सकते हो, बना सकते हो। श्योर देखो आप लोग भी बहुत खुश होंगे जब देखो आप लोग पर्सनली इसको यूज करेंगे ना, आप लोग भी सोचेंगे कि फ्यूचर प्रूफ अभी आप लोगों का काम होगा, अभी तो कोई दिक्कत नहीं आना है। आज की वीडियो में इतना ही, फटाफट से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटर्स अंडर 50 to 60,000 अंडर योर बजट, या फिर पीसी वर्सेस लैपटॉप क्या लें। देन श्योर उसके ही ऊपर वीडियोस आएगी।